हैशटैग हाँ जी जो चल रहा है, जो कि आपको भी इस बात का, सीधा सीधा बोल पुप्पू आएंगे। हाँ पुप्पू, पुप्पू से हम शुरू करते हैं भाई। पुप्पू हैशटैग, हैशटैग मास्टरमाइंड, इस तरह की बातें हो रही हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताना चाहेंगे हमसे कि जो ये जो घर में इतना इतना फसाद फैल रहा है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इसके पीछे क्या वाकई आपका हाथ है? भाई लोग जानना चाहते हैं, हमें मैसेजेस आ रहे हैं। इसी का हाथ है भाई, जुनी एक नहीं वो भी दो। भाई मैं जुनी की तरफ से सबसे पहले मैं चाहूंगा माजरत, क्योंकि इन्होंने पूरा सीजन देखा है, एक एक एपिसोड 100-100 दफा देखी है। चाहता हूँ कि ये माजरत ना करें। भाई घर बड़ा खूबसूरत है आपका। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत से बनाया हम लोगों ने जी। देखिए मैं आपको इस सत्यानाश कर दिया पूरे घर का, जुनी जुनी का कंट्रोल, दो लड़कों से सफाई करवा उनको उनको बोलने का मौका दें। मैं भी वैक्यूम की ड्यूटी पे हूं मैडम, मैं कोई सफाई नहीं करता। ये उनको बोलने का मौका दें, उनको बोलने का बोलने का मौका दें। देखें ये सरासर मुझ पे इल्जाम है, और जब शुरू में मुझे कहा गया था कि मैं पुप्पू हूं, इल्जाम था तो 47 डे भी तुझे पुप्पू कह रहे क्यों? हां तो मैंने बाद में उस बात को एंडोर्स किया कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं तमाम पूरी दुनिया की पुप्पूस को एंडोर्स करना चाहूंगा कि जी, और पुप्पूस को हम लोग क्यों बुरा कहते हैं? ऐसी बिला वजह पोपोज बदनाम है, पोपोज भी बहुत अच्छी होती है। पोपो के बारे में आप कितना जानते हैं? आपको पता है कि पोपो करती क्या? यही तो मेरा सवाल मैंने पूछा है कैमरे में, यकीन करें आप। वही करती है जो ये करते हैं। बिल्कुल, तो आपने जो चीजें की हैं लोगों ने पोपो कहा है, ये मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैंने वो चीजें की हैं। और जब मुझे मास्टरमाइंड भी कहा गया था, तो मैंने कहा भाई मास्टरमाइंड, कल एक बहुत लेजेंडरी आदमी आए थे, उन्होंने साफ गवाही दी, और मुझे शुक्र अल्लाह का उन्होंने गवाही दी कि ये मास्टरमाइंड नहीं है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र, 47th डे पता चला, लेकिन पता चल गया। तो जुन्नी तुमने कौन से एपिसोड देखे? लेकिन पप्पू तो कहा ना। हाँ पप्पू तो उन्होंने कहा कि बाहर बात हो रही है ना जुन्नी।